आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के जरिए संबोधित किया और तमाम देशवासियों को त्योहारी सीजन में जो है वो शुभकामनाएं दी, बधाई दी। लता मंगेशकर को भी उनके बर्थडे के लिए उन्होंने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें मन की बात में कही जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रेडियो के जरिए मन की बात की, देशवासियों को कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहने की उन्होंने अपील की है। तंबाकू और नशे से दूर रहे युवा, बेटियों के सम्मान में अभियान चलाने की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। पर्यावरण और पर्यटन पर जोर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में। एक तरफ ई सिगरेट किस तरह से खतरनाक है, हानिकारक है, ये भी बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में। और बताया कि जिस तरह से भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि ई सिगरेट उतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन वो ज्यादा नुकसानदेह होता है सिगरेट की वजह। तंबाकू और नशे से दूर रहे युवा, ये कहीं ना कहीं अपील थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों के सम्मान की बात की है। पीएम मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में चौथी बार मन की बात की। नशे छोड़ने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है युवाओं से। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान पीएम ने कहा कि ई सिगरेट के बारे में गलत धारणा जो है वो पैदा की गई है कि इससे कोई खतरा नहीं होता है, जबकि सामान्य सिगरेट से अलग ई सिगरेट में निकोटिन युक्त तरल पदार्थ जो है वो गर्म करने से एक प्रकार का केमिकल जो है वो युक्त जो धुआं बनता है जो सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्र समेत अन्य त्योहारों की बधाई दी। साथ ही साथ कहा कि 2 अक्टूबर 150वीं जयंती गांधी जयंती मनाई जाएगी और कई बातों पर उन्होंने अपनी राय भी रखी। लोगों से नशे से दूर रहने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।